बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। आप सब अपनी अपनी किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर 7, क्या आपने अपनी किताबें खोली? प्यारे बच्चों, ये सफ़ा नंबर 7 है, ये पहले हम कर चुके हैं, अब हम इसकी दोहराई करेंगे। हिफ्ज़ो तर्जुमा, इसकी हम आज दोहराई करेंगे। क्या है इसमें? आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह यानी हफाजत में आता या आती हूँ मर्दूद रद्द किए हुए शैतान से। ताउस पढ़ने से इंसान शैतान के शर से महफूज हो जाता है। बुरा ख्याल आए, गुस्सा आए, गलत चीज को देखे तो ताउस पढ़ना चाहिए। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हर अच्छा और नेक काम शुरू करने से पहले तस्मिया पढ़ लेनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हो और काम आसान हो जाए। तस्मिया, हमें हर अच्छा और नेक काम शुरू करने से पहले तस्मिया पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हो और काम आसान हो। तकबीर, अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। तकबीर में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है, यानी कि इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। ये कलमा नमाज में पढ़ा जाता है। बुलंदी की तरफ जाते हुए भी तकबीर पढ़नी चाहिए, यानी कि बुलंदी एक मिसाल है कि हम सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब आप इसकी दोहराई करेंगे। अब हम इंशाल्लाह कल अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।